तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड ये यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर मोटोला अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और इस स्मार्टफोन का नाम है मोटो G9 प्लस। अब दोस्तों, आपको याद होगा मोटो G9 स्मार्टफोन कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च किया गया है और आज मोटो G9 प्लस स्मार्टफोन भी मोटोरोला की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, जिससे स्मार्टफोन में आपको काफी तगड़े फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सभी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं मोटो G9 प्लस स्मार्टफोन के बारे में। उसके साथ दोस्तों, हम यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ डीमेरिट्स यानी कुछ कमियों के भी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं, तो जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे यहां पर सबसे पहले मोटो G9 प्लस स्मार्टफोन के सभी कुछ कंफर्म फीचर्स के बारे में, और उसके बाद बात करूंगा इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में और उसके बाद इस स्मार्टफोन की लॉन्च वगैरह के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करूं सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बॉडी और इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो यहां पर आपको प्लास्टिक का ही जो बैक है वो पीछे की साइड देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्टफोन का जो फ्रेम है वो नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह आपको यहां पर प्लास्टिक का ही दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की साइड क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, बीच में वही मोटोरोला की जो डिजाइनिंग है, लोगो है, वो देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्टफोन के फ्रंट के साइड की बात करूं तो यहां पर आपको 6.8 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले पैनल के साथ में पंच होल डिस्प्ले डिजाइन यहां पर दी गई है, जो कि स्मार्टफोन के कॉर्नर पे है। उसके साथ यहां पर आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले है वो देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, बात करता हूं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको दोस्तों Qualcomm Snapdragon 730G का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाता है, यानी प्रोसेसर काफी पावरफुल इस स्मार्टफोन में दिया गया है। उसके साथ बात करता हूं दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्टफोन के फ्रंट के साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में सेल्फी के लिए दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में आपको 30 वाट का जो चार्जर है वो देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन के साइड में दिया गया है। और उसके साथ यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, उसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर भी नीचे की साइड देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों, ये थे पूरे फीचर्स। अब बात करता हूं आपसे थोड़ा सा इस स्मार्टफोन के डीमेरिट के बारे में, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा है। तो दोस्तों, यहां पर अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के वेट के बारे में, तो ये फोन आपको थोड़ा सा हैवी देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मोटाई इसकी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी और ये फोन थोड़ा वजनी है। दोस्तों, यहां पर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के वेट के बारे में, तो कुछ 223 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट निकल कर के आता है, जबकि इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की ही जो बैटरी है वो दी गई है। इन कंपेयर टू अगर हम सैमसंग गैलेक्सी M51 को देखें, जो कि कल इंडिया में लॉन्च किया गया है, तो यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको 7000 mAh की जो बैटरी वो देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन इसका जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 213 ग्राम है। यानी कहीं ना कहीं जो मोटोरोला का ये G9 प्लस स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा हैवी वेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा हैवी देखने के लिए लगता है, लेकिन जो फीचर्स वगैरह इस स्मार्टफोन में दिए गए हैं वो कमाल के आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट के बारे में, तो यहां पर आपको जो बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलता है उसमें आपको 4GB की रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। और यहां पर अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है कल यहां पर ऑफिशियली तौर पर ब्राजील में लॉन्च कर दिया गया है, और अगर ब्राजील की प्राइसिंग को हम इंडिया की प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 31,200 रुपए के आसपास इसकी जो प्राइसिंग है वो इंडिया के लिए निकल करके आती है। दोस्तों, कुछ 31,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग निकल करके आती है, मतलब सुनकर ही थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो स्मार्टफोन आएगा वो इंडिया में इसकी प्राइसिंग इतनी नहीं होगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन, जो कि ऑलरेडी इंडिया में 17,500 रुपए का आपको देखने के लिए मिलता है, सेम यही सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो इसी स्मार्टफोन के हैं, तो उस स्मार्टफोन से इसकी जो प्राइसिंग होगी वो कम आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहां पर इसका जो बेस वेरिएंट होगा, कहा जा रहा है कि आपको कुछ 15,000 से 16,000 रुपए के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर Qualcomm Snapdragon 730G के प्रोसेसर वगैरह के साथ में ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, मैं कहूंगा जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छा स्मार्टफोन निकल करके आ सकता है, और इस प्राइसिंग में Realme 7 वगैरह जो स्मार्टफोन आते हैं उनको ये काफी हद तक कम्पीट कर सकता है। दोस्तों, प्राइसिंग इस स्मार्टफोन की कम क्यों होगी मोटोरोला वन फ्यूजन से, आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूं। सबसे पहली चीज, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में आपको 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर रैम को कम किया गया है, आपको 4GB की रैम 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है।
मोटोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जबकि जो पॉपअप सेल्फी कैमरा वाली टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन यहाँ पर आपको पंच होल देखने के लिए मिलता है, तो वो प्राइस वहां पर कम हो जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं सब फीचर्स को जो मोटोरोला है वो थोड़ी सी कॉस्ट को कम करके इस स्मार्टफोन को दोस्तों एक बजट पावरफुल स्मार्टफोन के तौर पे लॉन्च कर सकता है। अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च के बारे में, और दोस्तों अगर बात करूं यहाँ पर इस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च के बारे में, तो बेसिक सी बात है ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर काफी सारे सर्टिफिकेशन साइट वगैरह पे ये स्मार्टफोन ऑलरेडी लिस्ट भी हो चुका है। अब दोस्तों उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिल जाए। अगर सितंबर लास्ट तक नहीं आता है तो अक्टूबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में जो स्मार्टफोन है वो डेफिनेटली आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मोटोरोला काफी अच्छी कोशिश कर रहा है एटलीस्ट सस्ते में एक अच्छा प्रोसेसर देने की। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइनल दोस्तों इंदा कुछ वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।